क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, आग कितने प्रकार का होता है? ऐसे तो कहीं भी आग लगे एक ही जैसा दिखता है। आग क्या होता है? आग से धुआं निकलता है, लाल पीले लपटे निकलते हैं और हीट होता है। पर इसे क्लासिफिकेशन करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि जिसे कि मान लिया कि इलेक्ट्रिक में आग लग गई तो उसे आप पानी से तो नहीं बुझा सकते ना। और इसमें आजकल के जमाने में टेक्नोलॉजी आई, साथ में फायर साइंस आया, तो आग को वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। तो आग को 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्लास ए, जो सॉलिड चीज में आग लगते हैं ना उसको क्लास ए फायर कहते हैं, जैसे कपड़ा, लकड़ी, पेपर, ये सब प्लास्टिक, ये सब में जो आग लगता है उसको क्लास ए में रखा गया। दूसरा है क्लास बी, मतलब लिक्विड फायर, पेट्रोल, डीजल, आजकल हवाई जहाज में, गाड़ियों में बिना पेट्रोल के तो चल नहीं सकता, तो इसमें जो आग लगती है उसको क्लास बी कहा गया। क्लास सी गैस में जो आग लगती है उसको क्लास सी बोला गया, एलपीजी गैस हो गया, या बड़े बड़े आजकल तो इंडस्ट्रियल एरिया हो गया तो गैस होते हैं उसमें जो आग लगता है उसको क्लास सी कहा जाता है। एक है मेटल फायर, क्लास डी, जो मेटल में आग लगती है, तांबे में या जिंक में, तो वो आग जल्दी लगती नहीं, और लगती है तो जल्दी बुझती नहीं, तो उसको क्लास डी कहा गया। और क्लास ई, इलेक्ट्रिक स्टार्टेड जो फायर होता है उसको क्लास ई कहते हैं। चाहे आप देख लीजिए आपका एसी है या इलेक्ट्रिकल पॉइंट है, मीटर रूम है, जनरेटर है, जो इलेक्ट्रिक स्टार्टेड फायर को क्लास ई कहते हैं। और छठा है क्लास एफ, इसको किचन फायर भी कहते हैं और के फायर भी कहते हैं। किचन में जो आग लगती है ऑयल से स्पेशली, उसको क्लास एफ कहते हैं। बड़े बड़े आजकल इंडस्ट्रियल किचन हो गए तो वहाँ जो आग लगती है, ऑयल भी जलनशील होता है, उसको क्लास एफ कहते हैं। तो आग 6 प्रकार के होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।